अब इनको खांसी भी हो गया है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पी है, जिसके वजह से पता नहीं सोते सोते बुखार जैसा हो रहा है ना आपको। थोड़ा बहुत इनका तबीयत ठीक लगा है, नूरामेंट लगा दी है, मालिश कर दी है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे, खुश रहिए। चलिए आज के प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज है डे टू, लेकिन आज भी इनका तबीयत भी थोड़ा सा भी सुधार नहीं है, पेट का दर्द जो है बढ़ा ही रहता है। चाय वगैरह पहले ही बना करके यहाँ पे रख दिए, तो मस्त चाय निकालते हैं, बिस्किट साथ खाते हैं और वीडियो का एडिटिंग करेंगे। और ये देखिए कैमरे में गई है महाराज जी, खाना का इंतजार कर रही है। मैं आप लोगों को एक अद्भुत अजूबा दिखाने जा रही हूँ। रात को जो मेरे पति उस दिन दिखाए थे कि मैं दीदी के यहाँ गई थी, तो मोटू पतलू लूट के लाई थी, रोड पे पड़ा हुआ था तो कैसे छोड़ दे, तो मम्मी उसमें से 5 पैकेट हमें दे दी थी। तो हस्बैंड जी रात में ना खाते खाते उसमें 2 चॉकलेट मिला, 2 टॉफी मिला, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उसके बाद जो बच्चों के हाथ में चिपकाने वाला स्टीकर होता है ना, तो देखिए इन्होंने क्या किया है, ये चिपका है उधर वाला हाथ, ये चिपका है। सिर्फ मुझे हंसाने के लिए बच्चों वाला हरकत करते रहते हैं, इनको कोई समझाए कि ये बच्चे नहीं है। रूरू में किस्मत से पबले बानी हो, अभी ये चाय नाश्ता लेकर के आए थे, पर हम शौक से सोचे कि ये गाना ढूंढिए, हम सोचे आपको 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 और वीडियो बनाते वक्त अपना खुद का हाथ भी जा लिया, मेरा पैर भी जा लिया, पूरा एकदम देखिए सब चाय की सब चाय बिखेर दी है, सब साइड से देख रहे हैं सब चाय लग गया इसमें, सब देखिए सब उल्टा पुल्टा सब हो गया। बहुत तुमको रील बनाने का शौक है। तो दोस्तों गैया को जा रहे हैं खाना देने के लिए, क्योंकि भाई साहब वो जो है ना बहुत देर से गुजार कर रही है, ठीक है, और अच्छा नहीं लग रहा, बेचारी भूखी है क्या जी। तो हम सोच रहे हैं कि रोटी बना हुआ है तो दे आते हैं। देखिए बाहर बैठती है तो बड़ी देर आता है, कैमरा में देखते रहते हैं ना, और ऐसा लगा एकदम सो रही थी, ऐसा लग रहा है खाना मांग रही है। गैया आती सवेरे सवेरे ना, एक दो ने कई सारे गैया हैं पूरे गली में, और सबसे बड़ी बात हमारी गली की सबसे खूबसूरती क्या है कि सब लोग खाना निकाल करके यहाँ डाल देते हैं, या फिर सबके यहाँ पे नाद बना हुआ है छोटा छोटा गैया को खिलाने के लिए, वो घर पे है शायद इस साइड भी है, तो सब लोग खाना डाल देते हैं ना तो खा लेती हैं, ये लोग भूखे नहीं रहती, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए अभी रोटी डाल दी है, ठीक है अभी वो खा लेंगे। तो कल था संडे, कल हम लोग बढ़िया से एकदम मुर्गे वाला मीट बनाए थे, खा करके मज़ा आ गया है। और हमारी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है तो वो आराम करेंगी, और कपड़ा की हम सफाई कर लेंगे, क्योंकि देखो हाथ से कम धुलना पड़ता है, वॉशिंग मशीन से धुलना पड़ता है, तो इतने सारे कपड़ा को इकट्ठा कर लिए हैं, छत पर चलेंगे बैठेंगे। और टाइमिंग अभी हम आपको बता दें तो लगभग लगभग हो रहा है समय 2:27, ठीक है, तब तक के लिए मैं सारा काम कर लूंगा, ये भी आराम भी कर लेंगे, कल तक उनका तबीयत ठीक हो जाएगा तो बढ़िया पैलेस पे चलेंगे घूमने के लिए। फिलहाल कपड़े को लेकर के छत पे चलते हैं। ये दोस्तों मेरे लिए आदत बन गई है कपड़ा धुलना, और अभी छत की भी सफाई करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, क्योंकि छत बहुत गंदा लग रहा है दोस्तों, बहुत ही बेकार लग रहा है, क्योंकि पटाखे वगैरह सब जलाए थे ना तो वैसे वैसे दिख रहा है। अभी दोपहर का टाइम है, शाम होते होते सारा कपड़ा जो है धुल जाएगा। 2 बेडशीट भी है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, ठीक है, क्योंकि भाई साहब बिस्तर को भी धुलना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो शरीर जो है ना खुजलाने लगता है। यार जब भी कपड़ा धुलने आओ लाइट ही चला जाता है, बताओ अभी लाइट चली गई दोस्तों, अंदर में कीड़े पड़े हैं, देखिए कीड़े पड़े इस वॉशिंग मशीन को, हैं अभी चालू कर दिए कि चालू करके वो कीड़े वगैरह सब निकल जाएंगे तो पानी भर देंगे अच्छे से, इसके एसी के तैसे नहीं तो लाइट ही चला गया, इंतज़ार करना पड़ेगा, तेज़ धूप हो रही है। दोस्तों ये जो आप लकड़ी जैसा काला काला देख रहे हो ना जो मेरे फेस से मिल रहा है, ये ट्राइपॉड का एक हिस्सा है, ठीक है, जो आप लोगों को दिख रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप सभी से। पानी ज़्यादा भर दिए हैं, सरफ वगैरह रख दिए हैं आराम से भाई साहब, ये भी एक रेसिपी है खाने की तरह, ठीक है, एक रेसिपी है, इसमें भी मसाला मिर्ची डालना पड़ता है तब जाके कपड़ा साफ होता है। और एक एक कपड़े को अंदर हाथ डाल के भिगोना पड़ता है, ठीक, और ये कपड़े पूरे तरीके से मिल चुके हैं। छत पे गंदगी पड़ी हुई थी, देखिए सफ़ा दिख रहा है आप लोगों को, कोना में बाहर को साइड कर दिए, अभी कपड़ा वपड़ा बढ़िया से धुल लेते हैं ना, तो इस सारे गंदगी को ना कचरे वाले डब्बे में रख के भर के फेंक देंगे। एक बार कपड़ा धुलने में सोचिए कितना टाइम लग जाता है, शाम का वक्त हो चुका है समझिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि वॉशिंग मशीन से आसानी से कपड़ा जो है ना धुल जाता है दोस्तों। सूर्य देवता एकदम उग गए खूब अच्छे से, शाम के टाइम में किरण डूबने वाला है, अभी तक जो है कपड़ा धुलाया नहीं, एक बार और पानी को रखना है, फिर उसके बाद 3 बार और चलाना है, तब जाके पूरा कपड़ा फिनिश होगा। तो अभी कुछ कपड़े हाथों से ही बच गया था यार धुलने के लिए, मैं देख नहीं पाया था, नहीं ये कपड़े में डाल देता तो धुल जाता,
बाकी सब तो धुल दिए, बाहर दिखाते हैं भी आपको भाई, इसको फिर से दोबारा धुलना पड़ा, डबल मेहनत हो गई। तो कपड़े कुर्सी पे भी फैले हुए हैं, दीवार पे भी, उस दीवार पे भी, वॉशिंग मशीन को ढक करके भी उस पे भी फैला दिए हैं, ठीक है, इस तरफ भी है, ये दोनों तरफ देखिए। और पूरा कपड़ा धुलने में कम से कम 2 से 3 घंटा लग गया है। मैं सोचता हूँ ना कि बैठे बैठे घर पे क्या करूँ, कोई काम है नहीं, तो कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, घर का ही काम करना चाहिए। काम तो अपना वीडियो का ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी उससे अलग हट के काम, कुछ भारी काम होना चाहिए। वीडियो भी सबसे भारी होता है, पर ये मतलब थोड़ा सा भारी चीज़ें उठाना उठाना तो शरीर फिटनेस में रहता है। दोस्तों जस्ट अभी नीचे आए हैं और ये देखिए इनका तबीयत, आराम नहीं मिल रहा आपको, पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है अभी ठीक हो जाएगा, क्या ही करो दोस्तों। कुछ खाना है बाहर से ले आए, ऑनलाइन ऑर्डर करके छोला भटूरा मंगा दे। अब इनको खांसी भी हो गया है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पी है, जिसके वजह से पता नहीं सोते सोते बुखार जैसा हो रहा है ना आपको, ठीक हो जाएगा अभी। और अभी हम लोग खा रहे हैं नमकीन, ठीक है, और टिकिया। तो हो रही है ठंडी, लेकिन ठंडी में ये भैया जी स्वेटर पहने नहीं है, ना ही हम पहने हैं। सोया काम कर रहे हैं ना जिसे, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ काम करने से ना गर्मी लगी रहती है, जी 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 जी, अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या चाहिए, हाँ कितना, आधा किलो, एक किलो, आधा किलो दादा आलू कर दीजिए, नया पुराना, और नया आलू कर दीजिए। घर पे मालकिन से ऑर्डर लेना पड़ता है ना, पूछ पूछ के, नहीं सोया मेथी नया आलू बढ़िया लगता है, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये जी ये मतलब खड़ा रहता है वो फूट जाता है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन अपने लखनऊ में उतना ठंडी का पता नहीं चल रहा है, गांव में अभी गए थे इतना ठंड पड़ रहा था भैया, पूछे नहीं, कुहेसा रास्ता ही नहीं मिल रहा था जाने के लिए, नहीं 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 जैसे आप समझ नहीं पा रहे, हम बिहारी भाषा में बोल रहे ना, जो धुंधला धुंधला हो नहीं जाता है, धुआं जाता, कोहरा कोहरा, वही वही वही, हाँ। और क्या चाहिए, 10 रुपये का धनिया पत्ती दीजिएगा। दोस्तों पूरा दिन काम करो और शाम में शॉपिंग करने के लिए जाओ, जैसे शॉपिंग मेरे लिए तो यही है, सब्जी वगैरह कपड़े वपड़े तो हमारे वाइफ के लिए होते हैं, ठीक है, उनको लेके जाता हूँ, तो वो अपने लिए खरीदते हैं, मेरे लिए खरीद देती हैं, मैं कभी अपने मर्जी से जाता ही नहीं। अब बड़ा ऊपर से शांत एरिया, बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों, मेरे लिए तो एकदम सबसे फिट जगह है, आराम से रहते, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। फिलहाल अभी सारा सामान ले लिए हैं, ठीक है, बेसन वगैरह भी ले लिए थे राशन के दुकान से जा करके, क्योंकि ये कार्टून देख रही है गाइस, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, कॉपीराइट लग जाएगा, ये कार्टून देख रहे हैं, बताइए इतनी बड़ी हो के सरहली नहीं तो गंदहली नहीं तो। अभी थोड़ा बहुत इनका तबीयत ठीक लगा है, नूरामिंट लगा दी है, मालिश कर दी है, जिसके वजह से ठीक है। दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए बिहार समस्तीपुर से दिख रहा पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, अदर स्टेट से दिख रहा पूरा पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, बगल में फेसबुक पेज का आईडी जाकर के फॉलो कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, फेसबुक पेज पे भी नया नया ब्लॉग हम अपलोड कर रहे, जाइए जाकर फॉलो कर लीजिए, अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, फेसबुक लिंक का जाके फॉलो करिएगा।